संपूर्ण जाति के उत्थान के लिए उपनिषद आश्रम में महाशिवरात्रि महोत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों से आयोजित उपनिषद आश्रम का द्वादश वार्षिक उत्सव 19 फरवरी से मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत महाशिवरात्रि पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां शिवरात्रि पर बाबा महाकाल का चारों प्रहर के पूजन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 23 फरवरी को संपूर्ण जाति के उत्कर्ष के लिए सांप्रदायिक सौहार्द व उत्थान हेतु उपनिषद आश्रम प्रमुख परम पूज्य पितृमानंद जी महाराज द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 12 वर्षों से किया जा रहा है, जहां इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से यह आयोजन किया जाएगा। परम पूज्य महाराज के अनुसार 23 फरवरी को कार्यक्रम का समापन किया जाएगा, जहां महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ सहित सत्संग व भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जहां 13 अखाड़ों के प्रमुख सहित वैदिक विद्यार्थी एवं भक्तजन बड़ी संख्या में शामिल होंगे। संपूर्ण मानव जाति के उत्कर्ष के लिए, कल्याण के लिए प्रेम सौहार्द बना रहे, और ये उपनिषद आश्रम उज्जैन में है। यहाँ पर 12 वर्ष हो गए, ये 12वां कार्यक्रम है। और पहले हम संपूर्ण विश्वविद्यालय से अध्ययन न्याय व्याकरण और सांग दर्शन से किया, फिर कैलाश में पढ़े पढ़ाए, नैमिषारण्य में 12 वर्ष साधना किया, और यहाँ पर 12वां कार्यक्रम ये है। इसका एक ही उद्देश्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जी। यहाँ पर वैसे पूरे देश से ही आते हैं लोग, बॉम्बे से 18 लोग हैं, बॉम्बे से, नौसारी से, सूरत से, विल्लीमोरा से, अहमदाबाद से, और दिल्ली से, और राजस्थान से, ग्वालियर से, भिंड से, और यहाँ इंदौर से, सब जगह के लोग आते हैं। और यहाँ पर 5 दिन का स्वाध्याय रहता है, और प्रातःकाल में उपनिषद स्वाध्याय रहता है, शाम को शिवपुराणी कथा होती है, और 5 पंचदिवसीय ये महोत्सव होता है, माने स्वाध्याय शिविर होता है। विशेष कार्यक्रम होता है शिवरात्रि। शिव महापुराण में शिवरात्रि का बड़ा महत्व है, और शिवरात्रि के दिन में वेद पाठ और गायत्री मंत्र का विधान, रात्रि में जप और वेद पाठ का विधान कहीं नहीं है। पर शिवरात्रि के काल में यहाँ पर महाकाल मंदिर भी पूरी रात खुला रहता है, जागरण रहता है, और उस शिवरात्रि अगले दिन महाकाल मंदिर में जो भस्म आरती दिन के 12 बजे होती है।